जी अतिथि परिवार को मेरा सादर सेवा जोहार। मेरा नाम ऋतुपन राम है और मैं छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से हूँ। मैं एक कृषक परिवार से हूँ और मेरा व्यवसाय भी कृषि है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कोरोना महामारी के दौरान आप सब अपने जीवन को स्थिर करने का प्रयास कर रहे होंगे और निश्चित रूप से ये आपको और हम सबको मिलकर करना होगा, क्योंकि जो ग्रामीण जनजीवन जो अस्त व्यस्त जो हो चुका है, तो उसे जानने के लिए, समझने के लिए कि आप अपने जीवन को किस तरह से पुनः संचालित कर रहे हैं, आप अपने रोजगार की व्यवस्थाएं कैसे कर रहे हैं, ये सब जानने के लिए कोई नहीं आएगा इसकी ओर, किसी का ध्यान नहीं जाएगा। क्योंकि लोगों का ध्यान, सरकार का ध्यान आपकी ओर तब जाएगा जब उन्हें जानना होगा कि आपको कब और कैसे विस्थापित करना है और आपके जमीन के नीचे कौन कौन सी खनिज संपदाएं हैं। और जब एक समुदाय विस्थापित होता है तो वहां से उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा और भाषा सब समाप्त हो जाती है। तो निश्चित रूप से ये आपके अस्तित्व को बचाने की एक जो लड़ाई है, जो काफी समय पहले से चली आ रही है। हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम जी जो हैं, उन्होंने एक आंदोलन चलाया था, गुनवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन, जिसका उद्देश्य था सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनैतिक विकास। पर लोगों के ऊपर था कि आप उस चीज को कैसे अपने आप में आत्मसार करते हैं। आज के दिनांक पे इतने सारे मूल निवासी संगठन बन चुके हैं, सबकी अलग अलग विचारधाराएं हो गई हैं कि हम लोग इतने तितर बितर हो गए हैं कि हम लोग संगठित नहीं हो पा रहे हैं। और आज जो वर्तमान में जो देश की स्थिति है, आप देख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब चीजों से ज्यादा अगर हम किसी बात पर लड़ रहे हैं तो वो है धर्म पे। जब आप कहते हैं कि धर्म से ज्यादा मानवता जरूरी है, तो आप वहां पर बागी हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि आपकी आवाज़ सुनने के लिए और हमारी आवाज़ सुनने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है, सरकार में कोई नहीं है। तो इससे बेहतर है कि हम अपने गांव में, जहाँ पर हम ग्रामीण परिवेश में जहाँ जीवन यापन हम लोग कर रहे हैं, वहाँ पर रहकर हम अपने लोगों को संगठित करने का प्रयास करें और अपनी ग्राम सभा को मजबूत करने का प्रयास करें, अपने गाँव को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का प्रयास करें। यही एक रास्ता है और जो हम अपने संस्कृति, परंपरा और भाषा को सुरक्षित कर पाएंगे। और जीएसयू के जितने भी सदस्य हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगी कि जब भी आप कोई ज्ञापन सौंपते हैं सरकार के नाम पे, तो आप उसमें एक बात जरूर रखिए कि जो हमारी जो प्राथमिक शिक्षाएं हैं वो हमारे ट्राइबल लैंग्वेज में शुरू होनी चाहिए, और खासतौर पे जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां पर, ताकि हम अपनी भाषा को सुरक्षित रख पाए आने वाले समय के लिए। अभी जिस तरह से देश के जो हालात हैं, सीए हो गया, वहां से लेकर अभी तक जो भी चीजें देख रहे हैं, अभी नया आया है इंडिया वर्सेस भारत, तो आप अनुमान लगाइए कि आप आने वाले समय में हम अपने जो आने वाली जो पीढ़ी है उनको कैसा भविष्य देने जा रहे हैं। और ये सब बहुत चिंता का विषय है, हम सबको इस बारे में विचार करना चाहिए और एक जो ग्रामीण हम लोग का जीवन है उसको मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो आपको अस्वीकार कर रहा है वो कोई बहुत नामचीन इंसान नहीं है और ना ही वो कोई बहुत ताकतवर है या आपसे बहुत ज्यादा काबिल है, लेकिन वो अधिकार संपन्न है और बाजार का खिलाड़ी है। और वो आपको तभी देखेगा, आपके पास वो तभी आएगा, आपको वो तभी स्वीकारेगा जब उसको लगेगा कि आपके पास, आप उसके लाभ की कोई चीज आपके पास है, या फिर आप वो बाजार खड़ा रखने में वो सामर्थ्य रखते हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि आप वो बाजार खड़ा रखने का सामर्थ्य रखिए, या तो आप अधिकार संपन्न बनिए, तभी इस देश में आप का जो समुदाय है, हमारा जो समुदाय है, वो एक पहचान बना पाएगा। और मैं निश्चित रूप से यही कहना चाहूंगी कि हम प्रकृति के साथ साथ मानवता को भी ना भूलें। आज जिस तरह से सोशल मीडिया पे बातें होती हैं, लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, तो आप इन सब चीजों को परे रख कर एक बेहतर समाज, बेहतर राष्ट्र के निर्माण के बारे में सोचे, आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचे, बेहतर भविष्य के बारे में सोचे। और जो चीजें आपके काम की नहीं है उन चीजों पर बिल्कुल ध्यान ना दें और अच्छा काम करें। बस सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो छोटी सी बात है, मैं आप सब लोगों के बीच रखना चाह रही थी जीएसयू परिवार के आग्रह पर। निश्चित रूप से जब हमारा कभी कोरोना के बाद कोई अधिवेशन होगा, तो हम बहुत सारे विषयों पर चर्चा करेंगे, विचार करेंगे और उन विषयों पर आगे कार्य करने का प्रयास करेंगे। जय सेवा, जय जोहार।